तीसरे ओडीआई में शुभमन गिल की जगह इस युवा खिलाड़ी को मिली जगह। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो वनडे मैच जीतने के बाद प्लेइंग 11 में बड़ी बदलाव की है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के लिए 27 तारीख को राजकोट की एससीए में उतरेंगे। रोहित शर्मा बतौर कप्तान टीम में लौटेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। शुभमन गिल जो की लगातार अच्छे क्रिकेट खेलने के बाद भी उनको तीसरे वनडे में मौका नहीं मिला है। वहीं दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे जो कि काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरी वनडे में उन्होंने अपनी तीसरी सेंचुरी लगाई थी। नंबर 4 और 5 पर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। केएल राहुल दो मैचों में कैप्टेंसी करने के बाद इस मैच में रोहित शर्मा कैप्टन होंगे। दोस्तों केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी कैप्टेंसी की, जिसके चलते टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से आगे रही और सूर्या दूसरे वनडे में अच्छे प्रदर्शन किए थे। उन्होंने आखिरी के ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी की थी, जिसके चलते टीम इंडिया बड़े टारगेट तक पहुंच पाया था। इसकी वजह से अब हार्दिक पांड्या की जगह पर उनको मौका मिला है। दोस्तों इस मैच में कुलदीप यादव को रेस्ट दिया गया है। वहीं दोस्तों गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन में जाडेजा और अश्विन होंगे। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह होंगे। दोस्तों मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। ऐसे में वर्ल्ड कप में टीम मैनेजमेंट मोहम्मद शमी और सिराज में से किसको प्लेइंग 11 में शामिल करता है, ये देखने लायक बात है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच जीत के सीरीज को 2-1 से खत्म करना चाहेगी। तो दोस्तों आप मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से किसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं?